कायनातुक माहताबा रहमतुल्लिल आलमीन, जाने जाना कोत जाना रहमतुल्लिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। ये नात आप पिछले एक महीने से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे काफ़ी वायरल हो रही है। और इसे मौलाना अनवर साहब ने, जो कि शुपियाँ से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने लिखी है। और अयान सजाद साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा है। और मैंने सोचा कि इसी को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं इस पर, और हम दो दो अशार सुनेंगे और फिर उस पर बात करेंगे कि उस अशार में जो शायर हैं वो क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम है उनका। तो शुरू करते हैं। पहले जो दो अशार हैं उस पर बात करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इस पूरी नात में जो शायर ने जो नबी अलैहिस्सलाम को एड्रेस किया है, वो उनके जो सबसे मशहूर टाइटल है रहमतुल्लिल आलमीन, उस टाइटल से किया। ये टाइटल अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम को कुरान पाक में अता किया है, कि कुरान की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन, के ऐ नबी, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बना। और दरअसल ये नात इसी पर बेस्ड है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस एंड ब्लेसिंग्स पे अपॉन हिम, तमाम जहानों के लिए, तमाम यूनिवर्सिस के लिए रहमत या ब्लेसिंग्स कैसे हैं और क्यों हैं। और जो पहले दो अशार हैं वो ये हैं कि ऐ रहमतुल्लिल आलमीन, आप पूरी कायनात के चांद हैं, और आप ऐ रहमतुल्लिल आलमीन कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने अजीम हैं। ऐ रहमतुल्लिल आलमीन, आप जो बेलिबास लोग हैं, जिनके कपड़े फटे हुए होते थे या जिनके पास कपड़े नहीं होते थे, आप उनको छुपके से सीक्रेटली उनको कपड़े पहनाते हैं। इस तरह की बहुत सारी अहादीस हम तक पहुंची हैं मुहद्दिसीन के ज़रिए, जो हमें इस चीज़ पर, इस शेर पर दलालत करती हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई ऐसा शख्स आता था, या वो सवाल लेकर आता था, या फिर जब नबी अलैहिस्सलाम उनसे देखते थे और महसूस करते थे कि इसे कपड़े की ज़रूरत है, तो वो अपने कपड़े उसे अता करते थे, तो उसे दे देते थे। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, मगर जो फेमस हैं उनमें से एक ये है कि एक शख्स जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, जो कि कंपेनियंस के साथ बैठे हुए थे, और उस शख्स ने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और वो सर्दी में कांप रहा था। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो एक जोड़ा कपड़ों का था जो उन्होंने पहना हुआ था, वो क्या करते हैं, अपना जुब्बा उतारते, अपना क्लॉक उतार कर उसे पहना देते हैं। और जो कंपेनियंस होते हैं उन्हें मालूम था कि नबी अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ यही क्लॉक है, और वो बहुत शौक रह जाते हैं और वो पूछते हैं कि आपके पास तो सिर्फ एक ही जुब्बा था, एक ही क्लॉक था, वो भी आपने इसे अता कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अता कर देते थे, दे देते थे, बल्कि जिस शख्स को देते थे उसकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखते थे, है ना। वो कोशिश करते थे कि जो जिसको वो दे रहे हैं उसके बारे में लोगों को कम से कम इल्म हो, ताकि उसकी इज्जत नफ्स महफूज रहे। क्या वांत चावान पान रो
रहमतुल्लिल आलमीन, आप दूसरों को खाना खिलाते हैं और ख़ुद भूखे रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे भी नरेशंस हमें मालूम है जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिनों से भूखे होते थे और बाकी जो साहब कंपेनियंस थे अगर उनको भूख लगती थी तो आप उनके लिए तो अरेंजमेंट कर देते थे मगर खाना नहीं बचता था तो फिर ख़ुद जो है वो फाके से रहते थे, पहले उन्हें अता करते थे। इस तरह का एक अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नरेटेड है कि वो और बाकी कंपेनियंस प्रॉफिट मोहम्मद पीस एंड ब्लेसिंग्स भी अपान हिम के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे और रास्ते में कंपेनियंस को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भूख लगती है तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस एंड ब्लेसिंग्स भी अपान हिम कंपेनियन से कहते हैं कि आप खाने की तलाश में निकली है, अगर कुछ मिलता है तो एक बूढ़ी औरत मिलती है जो खुद भी बहुत गरीब थी और उसके बच्चे भी फाका से थे और उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ है, तो वो कुछ थोड़ा बहुत जो उसके पास था अनाज वो अता करती है कि मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है खाने को। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम लोगों के बीच वो बांटते हैं और वो ख़त्म हो जाता है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वो नहीं खाते हैं और सिर्फ दूसरों को खाना खिलाकर खूब फाके से ही नहीं रहते बल्कि वो किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होने देते, किसी को इस बात का शक तक नहीं होने देते कि उन्हें भूख लग रही है। ये भी अंदाज़ा होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कई कई दिन तक चूल्हा तक नहीं जलता था क्योंकि खाने को कुछ नहीं होता था और वो मगर वो दूसरों को खिलाया करते थे, दूसरा अगर कोई आ जाता था तो उनके दर से खाली नहीं जाया करता था। ऐ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ रहमतुल्लिल आलमीन, जो ओबाश या नादान या बेवकूफ़ जो लड़के हैं वो आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं मगर आप पलट कर हमेशा उन्हें फूल अता करते हैं, फ्लावर्स देते हैं। इस पे बात करने के लिए ताइफ का वाक़या मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास ये मैसेज लेकर के द लास्ट मैसेज फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स टू द ह्यूमन बीइंग्स जिसको लेकर हर प्रॉफिट आए और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट, वो लेकर जब ताइफ के लोग ताइफ इज़ ए प्लेस, ताइफ जो मक्का से कुछ किलोमीटर दूर है वहाँ पर लेके गए और जब वो उनको जाके मैसेज दे रहे थे तो बदले में उन सुनने के बजाय उन लोगों ने क्या किया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कुछ ओबाश पागल नादान है ना जोशीले लड़के लगा दिए और वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे जा रहे थे और इंटेंसिटी ऐसी थी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तब तक पत्थर मारते रहे जब तक उनके कपड़े जो हैं वो लहूलुहान नहीं हो गए, है ना, खून से भीग नहीं गए और उनके यहाँ तक आता है रिवायात में कि उनके जो जूते मुबारक हैं उन तक में खून भर गया तो तब तक वो पत्थर मारते रहे। और ये वो वक्त था नबी अलैहि सलाम से पूछा हज़रत आयशा सल्लल्लाहु अलैहि ने कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर कौन सा दिन सख्त तरीन गुज़रा है, उन्होंने जवाब दिया कि मुझ पर सबसे ज़्यादा जो सख्त तरीन दिन गुज़रा है वो ताइफ का दिन था, यही दिन जिसके बारे में मैंने अभी ज़िक्र किया और ये वो दिन था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन भी क्या किया कि उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें लहूलुहान किया था वो पत्थर मार रहे थे और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नस्लों के लिए उनकी जनरेशन के लिए दुआ मांग रहे थे, हिदायत की जन्नत की दुआ मांग रहे थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि लोग किस तरीके से उनको उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ मुश्किलात लेकर आया करते थे, ट्रबल्स क्रिएट किया करते थे। और इसका दूसरा जो मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट जो दिन था वो दिन था जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का कंकर किया था तो उस दिन भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ फरमा दिया था। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रहमतुल्लिल आलमीन है।
ये वो शेर है जिसे जब जब मैंने सुना है तो मेरे अंदर एक करंट दौड़ा है, गूज बम्स मिले, रोंगटे खड़े हो गए हैं। और वो शेर क्या है कि सुनो सुनो, उनका नाम रहमतुल्लिल आलमीन क्यों पड़ा, है ना, रहमतुल्लिल आलमीन उनको लकब क्यों दिया गया। और जवाब क्या है कि उनको रहमतुल्लिल आलमीन इसलिए लकब दिया गया क्योंकि उन्होंने आदमियों को आदमी से इंसान बनाया। अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो आदमी जो है वो उर्दू में मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो जो आदम की औलाद है उन सब के लिए लफ्ज़ आदमी इस्तेमाल किया जाता है। गलतुलाम हो गया, अब नॉर्म जनरली जब आप सुनते हैं आदमी तो आपको लगता है मर्द है, दरअसल मर्द के लिए नहीं बल्कि मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रहमतुल्लिल आलमीन आपका लकब इसलिए पड़ा क्योंकि आपने इंसानों को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करनी है ये सिखाया कि अगर आप इंसान हैं तो बहैसियत इंसान आपको किस तरीके से ज़िंदगी बसर करनी। यूँ तो जी तो जानवर भी रहे हैं, कुत्ते भी रहे हैं, है ना, जंगल में जानवर जी रहे हैं, परिंदे भी जी रहे हैं, मगर इंसान होने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस करनी है ना। हमारा रवैया दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरों के साथ कैसा ख्याल रखना है हमने, है ना, सच बोलना है, हमेशा सच का साथ देना, इंसाफ का साथ देना, ये तमाम चीज़ें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को सिखाई हैं। जी तो इंसान पहले भी रहे थे मगर उनके जीने का तरीका प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले क्या था, आप देख लें हिस्ट्री उठाकर, यूरोप में देख लें, एशिया में देख लें, आप बाकी जहाँ जहाँ इंसान रह रहे थे वहाँ पर देख लें। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहुँचाया हुआ इनकलाब जहाँ जहाँ पहुँचा और फिर किस तरीके से वहाँ पर तब्दीली आई, इसको जानने के लिए मैं समझता हूँ कि हज़रत जाफर तैयार इब्न अबी तालिब हज़रत अली के जो भाई हैं, जब वो हिजरत करके नजाशी बादशाह के यहाँ पर के अबिसिनिया में, इथोपिया में, तो वहाँ पर जो उन्होंने कलाम किया, जो उन्होंने डिफरेंस कायम किया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले जो मक्का के लोग थे, अरब के लोग थे, वो कैसे थे और उनके आने के बाद जब इनकलाब बरपा हुआ, जो रेवोल्यूशन आया, उसने उनकी ज़िंदगियों पर क्या फ़र्क लाया, ये काफ़ी है, मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट है इस शेर को समझने के लिए। मैं पढ़ देता हूँ कि उन्होंने जो तकरीर की थी वहाँ पर, और ऐसी तकरीर है जो तारीख़ में हमेशा जिसे सुनहरे अल्फाजों से लिखा जाएगा। हज़रत जाफर तैयार कहते हैं, ऐ बादशाह, हम ऐसी कौम थे जो जहालत के अंधेरे में डूबे हुए थे और हम बुतों की इबादत किया करते थे, मुर्दार का गोश्त खाया करते थे, बदकारियाँ किया करते थे, कराबतदारों रिश्तेदारों से तल्लुक तोड़ देते थे, हमसायों से बदसलूकी करते थे और हम में से ताकतवर कमज़ोर को खा जाता था। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह को हम पर रहम आया और अल्लाह ने हमी में से एक रसूल मबूस फरमाया जिसकी आला नस्बी, सच्चाई, ईमानदारी और पाक दामनी हमें पहले से मालूम थी। इसने हमें यह दरस दिया कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें, किसी के सामने ना झुकें। और उसने हमें यह समझाया कि अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे, हम उन्हें छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। इसने हमें सच बोलने, इमानत अदा करने, कराबत जोड़ने, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करने और हरामकारी और खून रेजी से बाज रहने का हुक्म दिया और फवाइश यानी कि बदकारी, मलविस होने, झूठ बोलने, यतीमों का माल खाने और पाक दामन औरत पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया। इसने हमें यह भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, इसके साथ किसी को शरीक ना करें। इसने हमें नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया और फिर हम इन पर ईमान लिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम ने जो रेवोल्यूशन लाया, है ना, इंसानियत की तारीख में, है ना, इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो कितना गहरा रेवोल्यूशन था, कितना इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन था। और सच में आप खुद भी अपनी ज़िंदगी पर ज़रा गौर करें, हालांकि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरीके से फॉलो नहीं करते जिस तरीके से हक़ता फॉलो करने का, हम नाम के ही मुसलमान हैं, असल में हमने तो इस्लाम प्रैक्टिस ही नहीं किया, उनके टीचिंग्स को फॉलो ही नहीं किया, मगर फिर भी आप अंदाज़ा करें जो कल्चरली हमारे जहनों में जो चीज़ें पहुँची प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जो हम फॉलो कर रहे हैं, उसको आप माइनस कर दें तो हमारी ज़िंदगियों में क्या बचता है। आप फ़र्क करेंगे कि जिस तरीके से जानवर ज़िंदगी गुजारते हैं और उन वैल्यूज़ को हटा कर जो पीछे ज़िंदगी बचेगी उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, मगर हमें सोचना इस बारे में है कि ये जितनी भी चीज़ें कही जा रही हैं सब हम सबको प्रैक्टिस करनी है, गौर व फिक्र इंट्रोस्पेक्ट करना है कि कितनी गहरी बातें हैं ये, मगर इनमें से कितनी ही बातें हम खुद प्रैक्टिस करते हैं और हमारे किरदार के अंदर मौजूद हैं। अगर नहीं हैं तो फिर ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। आप नाच सुने और इंट्रोस्पेक्ट भी करें और इसे इंजॉय भी करें। जान को ता
बेहद शुक्रिया।